हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी जैसे जाए। और जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे व्यूअर्स हैं, सभी लोग जो भी मुझे देखते हैं उन सभी को हैप्पी दिवाली। जो नहीं देखते उनको भी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है किचन का। तो किचन में आज क्या बनेगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें एक साथ बना रही हूँ। सोया मेथी पालक का साग बनाऊँगी और यहाँ पे है आलू मटर टमाटर की सब्जी, इसे भी भून रहे हैं। और यह इधर साइड मैंने सूरन फ्राई कर रहे हैं, इसे छोटे छोटे पीसेस कट करके और इसे फ्राई करना है। तो इन सभी की अगर रेसिपी चाहिए आप लोगों को तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोग को या तो इसका लिंक दे दूंगी अगर मेरे वीडियो में पड़ा होगा, नहीं तो मैं आप लोग को अलग से इसकी रेसिपी बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए आलू और कद्दू बॉयल करके रखा हुआ है। ये पनीर है, इसे ग्रेट करेंगे कचौरी के लिए। कचौरी का आटा गूथा हुआ रखा है, इसमें अजवाइन वगैरह खस्ता दे के बनाया है। और यहाँ पर पूड़ी की आटे हैं। तो इस तरीके से हमें जो है सारी चीज़ें तैयार करके आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बनाई हूँ। बाकी पूरी रेसिपी बनाने में तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो एक एक करके आपको कोई भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी, कद्दू आलू की सब्ज़ी है और यहाँ पे सोया मेथी पालक का साग है। और ये है मटर पुलाव जो कि बन के रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ कि बहुत ही खिले खिले से और एक एक चावल अलग अलग ये बन के रेडी हुए हैं। इसका पुलाव इसको मैं बनाने के एक घंटे पहले भिगो करके रख देती हूँ। एक कटोरी अगर पुराना चावल है, जैसे कि मैंने इसका बताया हुआ है वीडियो में, एक कटोरी है तो दो कटोरी पानी ऐड करना है इसमें। और देखिए चलिए थोड़ा सा किचन का लुक दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से है। तो सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं और अब यहाँ पर पूड़ी और कचौरी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए कचौरियाँ जो है फ्राई हो रही हैं। इसे गैस की फ्लेम मीडियम ही रखते हैं, मीडियम से भी स्लो कर देते हैं। शुरू में मीडियम रखते हैं, उसके बाद स्लो कर देते हैं और धीमी आंच पे जब कचौरियाँ बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। और थोड़ा सा खस्ते जैसा बनाया है तो अंदर स्टफिंग भी डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी कचौरी बन के रेडी हुई थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कचौरियाँ बनाई हैं, इसके बाद पूड़ियाँ बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बन चुकी थी, मैंने भगवान जी की थाली तैयार कर दी है। आप देख रहे हो सबसे पहला भोग भगवान जी को लगता है। और यहाँ पे देखिए खाने की थाली रेडी हो गई है। तो हम इसी तरीके से शॉर्ट्स भी डालते हैं खाने की थाली की, डेली लंच की थाली में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग देखा करिए उसमें। और इसके खाने पीने के बाद सबकी थाली एक साथ लग गई थी, सबने खाना खा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने दिवाली की तैयारी की शुरू कर दी थी। किसे उसकी दियली जो आती है मिट्टी की, उसको धोना था और भी सारी साफ़ सफाई होती है वो सब कर रहे थे। एक बार सुबह तो साफ़ सफाई होती है, उसके बाद शाम को 3 बजे 4 बजे से लग जाते हैं ताकि अच्छे से घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दियली धुल ली गई है, दियली धुल के इस तरीके से रख देते हैं ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पे देखिए तो इसमें ऑयल पेंट लगा था तो इसमें तो पानी रुका ही नहीं है। अब इसके बाद चल रहे हैं माँ का भोग लगाने के लिए। यहाँ पे बनाऊँगी काजू की मिठाई और मखाने की खीर। तो चलिए थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं घर का, जो कि अभी कोई भी साज सजावट नहीं हुई यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है। बस अब तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बना रही हूँ मिठाई बना ली है मैंने और यहाँ पे मखाने की खीर बना ली है। तो इन सबको ठंडा होने दूंगी, जब तक ये ठंडा होगा तब तक हमारी सारी तैयारियाँ हो जाएंगी। कहते हैं गर्म चीज़ें नहीं भोग लगानी चाहिए, इसलिए इसे ठंडे ही रख दें, ठंडा हो जाए। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा हमारे बाहर का लुक आप लोग को दिखाते हैं घर का, आप लोग देखिए। वीडियो अगर हमारी इस तरीके से आप लोगों को पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसी तरीके से वीडियो दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आप मेरी इस तरीके से नई नई वीडियो देख सकें। मैं रेसिपी भी डालती हूँ और ब्लॉग भी डालती हूँ। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।